में करना क्या हमको? वी हैव टू कॉल एंड टेल, सपोज इफ आई एम कॉलिंग अथर, इज माई फ्रेंड, राइट, हे ब्रो हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम है, बात नहीं हुई अपनी, यार मैं भी बिजी था, कितने साल बाद बात कर रहे हैं यार, और बता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हे तू यू वर्किंग देयर ओनली इन दैट सेम कंपनी, नो नो आई शिफ्टेड, सो व्हाट आर यू हैंडलिंग दिस दैट, लाइफ में क्या है और कहां रहता है ये वो, राइट, एंड देन व्हाट अबाउट यू, व्हाट्स अप इन योर लाइफ, सो बस तू बोला मैं चला. ये कौन बोलता था यार, करेक्ट सर, तुम्हें जा कि व्हाट्स अप इन योर लाइफ, सो प्लीज डोंट बिकम अ पेशेंट ऑफ वर्बल डायरिया देर, ओके. जैसे ही उसने बोला कि व्हाट्स अप इन योर लाइफ, यार लाइफ इज टू एक्साइटिंग नाउ डेज, व्हाई, अरे यार काफी टाइम से कुछ ढूंढ रहा था खुद का काम करने के लिए, आई गॉट अ ऑसम प्रोजेक्ट, राइट, साला कब तक नौकरी करता है यार, दिस स्टेटमेंट इज वेरी स्ट्रांग, ओके, कब तक नौकरी करता, बाय टेलिंग दिस यू आर टेलिंग हिम तू कब तक नौकरी करेगा, करेक्ट, तो बोला कब तक नौकरी करता है यार मैं, तो बोलेगा हाँ यार बात तो सही है ना, व्हाटएवर इट इज, राइट, सो आई वॉज लुकिंग आउट अ प्रोजेक्ट, दो साल से ढूंढ रहा था, तीन महीने पहले ऑसम प्रोजेक्ट मिला मुझे, राइट, इट्स अ वेरी बुक प्रोजेक्ट, तीन से चार साल दबा के मेहनत करनी है और 3-4 करोड़ रुपए कमा लूंगा, फिर सोचूंगा क्या करना लाइफ में, और बता तू तेरा क्या, उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं, सो 2-3 things इंपॉर्टेंट, 1 is कब तक नौकरी करता, 2 is 3-4 crores, मिलियन डॉलर मत बोलना, बहुत लोगों को समझता भी मिलियन डॉलर कितना होता है, करेक्ट, आई मीन टू मिलियन डॉलर बिजनेस, अच्छा क्या होता है, मिलियन बता ही नहीं और कितने जीरो होते उसमें आगे, राइट, सो हिंदी में बात करेंगे अपन, राइट, सो 3-4 crore, बट 3-4 साल की कड़ी मेहनत है यार, बस वही उसी में लगाऊं, और बता तभी मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा है, बस आर यू ऑफरिंग एनीथिंग टू हिम, आर यू टेलिंग हिम दैट आई हैव समथिंग फॉर यू, नो, You're just informing, right? 3-4 crore में perception बन गया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसका मतलब समझ गया, स्कीम नहीं है कोई, करेक्ट, और कब तक नौकरी करूंगा, ये बोल के उसको थोड़ा थिंकिंग जोन में डाला, करेक्ट, अब तीन टाइप के रिस्पॉन्स आएंगे इसके पीछे, पहला, और ये क्या बात कर रहा है, मेरे को भी कुछ बता देना, करेक्ट, द रिस्पॉन्स विच विजय एंड दिग्विजय टोल्ड गेव मी, राइट, मेरे को भी कुछ बता, विजय का तो ऐसे ही था, क्या बात, मेरे को भी बताना है कुछ, राइट, करें, तो जैसे ही उसने बोला मेरे को भी बता, फोन पर ही उसको गले लग लेने का, मिल गया मेरे को मेटल, मिल गया, राइट, प्लीज डोंट डू दिस, ओके, करेक्ट, ऐसा होता है क्या, यू आर मेटल ढूंढ रहा था जो समवन वाज लुकिंग आउट, ये बोल रहा है मेरे को भी कुछ बता, तो अब गले वाले लग गए उसके एकदम, अरे सही है नो? तेरे को ही ढूंढ रहा था यार, कहां था तू, करेक्ट, प्लीज डोंट डू दैट, पोस्चर ला, राइट, राइट, उस समय क्या करने का, उसको बोलना, अच्छा तू भी कुछ ढूंढ रहा है क्या, आई थॉट यू आर हैप्पी इन योर जॉब, मेरे को लगा तू जिंदगी भर नौकरी वाला ही है, एनीवे चल कुछ रहेगा तो बताऊंगा, कुछ रहेगा तो बताऊंगा, आई वॉज नॉट नोइंग एक्चुअली, राइट, खड़क फोन रख दिया, उसके बाद नाच लो भले ही चाहिए तो फोन रखने वाला, Why? Because एक्साइटमेंट तो है ना कुछ तो, राइट, उसके बाद नाच लो, क्लाइंट को फोन लगा लो, किसी को भी कुछ भी कर लो, राइट, बिकॉज शायद ये मेटल हो सकता है, राइट, बिकॉज यू एक्सपोज अ मैग्नेट, ये पहला रिस्पॉन्स, राइट, बट सब लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे, राइट, दूसरा रिस्पॉन्स रहेगा कि अच्छा है क्या, लेकिन कुछ तो बता, क्या फील्ड में क्या करना होता है, ही इज नॉट टेलिंग मेरे को भी कुछ बता, मेरे को भी कुछ करना है, मेरी भी लगी हुई है, राइट, तो ऐसा कुछ नहीं बोलेगा वो, लेकिन वो ऐसा थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, बट क्या है, विच प्लेटफॉर्म, विच इंडस्ट्री, सो थोड़ा क्यूरियोसिटी हो गया है अंदर, उसके चूहे कूद रहे हैं, लेकिन पूछ नहीं पा रहा, ईगो, तो उस समय बोलेगा यार लंबा प्रोजेक्ट है, सुनना मेरे को फोन आ रहा है, अपन 1-2 दिन में वापस तेरे को फोन करता हूं, अपन मिलते हैं फिर बात करेंगे, बड़ा प्रोजेक्ट है, खड़ा फोन रख दिया,
दो तीन दिन सोचने दे उसको क्या कर रहा हूं मैं। करेक्ट, क्या सोचेगा बता, वो ये नहीं सोचेगा तुम क्या कर रहे हो, वो भी ढूंढना कुछ शुरू कर देगा। यार मैं तब से ढूंढ ही रहा हूं, इसको तो मिल गया। आर यू गेटिंग मी? करेक्ट, एक एक घर में, एक फैमिली में, सपोज दो फैमिलीज हैं, दोनों फैमिली में यू नो शादी के लिए लड़कियां तैयार हैं, मतलब उम्र हो गई है, और एक फैमिली में सडनली मतलब पक्की हो जाती है शादी और एकदम सब फिक्स हो गया। दूसरी फैमिली को फोन करके इन्फॉर्म करते हैं कि अरे यार गुड न्यूज, व्हाट यार अपना सेट हो गया, इस तारीख को ये वैसा वैसा, राइट? तो उस फैमिली में हलचल मच जाती है, दूसरी वाली में यार उनका हो गया, अभी तुम भी कुछ करो यार, ढूंढो यार कितना बड़ी हो रहा है। सो इट्स लाइक दैट ओनली, राइट? हैपेंस और नॉट? ट्रू। सो यहां पे तुमने बोला उसको मेरे को कुछ मिल गया ऐसा वैसा, और उसके बाद फोन रख दिया, तो वो भी सोच रहा है उसको मिल गया मेरे को कब मिलेगा, राइट? सो डोंट, बट प्लीज डोंट गिव टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट टाइम। सपोज इफ यू हैव टू मेक 5 calls लाइक दैट एवरी डे, हाउ मच टाइम इट विल टेक? हाउ मच टाइम 1 call विल बी? हाउ मच? प्लीज डोंट शो प्लान ऑन द फोन इफ यू सी द एक्साइटमेंट, राइट? बहुत मजा आ रहा है, सुन देख काम करना, तेरे को दो लाना है, फिर वो दो लाएंगे। गेटिंग मी? डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन मच। इफ द गाय इज टू मच इंसिस्टिंग, बट कुछ तो बता क्या है, बस इतना बोल दे बॉस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का प्रोजेक्ट है, खत्म। और कुछ बता, सुना मेरे को एक फोन आ रहा है, तेरे को 2-3 दिन बात करता हूं, मैं ना अभी बाहर जा रहा हूं कल, आई विल कम बैक आफ्टर 2-3 days, आई विल कॉल यू आफ्टर 2-3 days, फिर डिटेल में बात करते हैं। साला यही होता है, बात ही नहीं कर पाते इसी चक्कर में। सो उसको ये नहीं लगेगा कि तुमने फोन कट कर दिया, तुमने पूछा और क्या। डोंट साउंड सस्पिशियस, इतना हिडन क्यों रखा हुआ है? करेक्ट? नो नो, मिलेंगे तभी बताऊंगा, अभी फोन पे नहीं बता सकता हूं, ऑल दैट, नो। साउंड जेन्युइन, सुन सुन मेरे को जरा कुछ काम आ रहा है, पीछे से फोन आ रहा है, और सर यही लफड़ा होता है नौकरी में ना, सर बात भी नहीं कर सकते दोस्तों से, राइट? दो दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, आकिफ बात करते हैं, राइट? खत्म। उसके दिमाग में वो कीड़ा डाल दिया आपने, वो बक करना शुरू कर दिया उसने धीरे धीरे, राइट? अरे 5 call में कितना टाइम लगेगा? हाफ एन आवर, करेक्ट? नो हाफ एन आवर, कौन बोलता है कि उतने बिजी है कि उसके हाफ एन आवर नहीं है? एंड आई विल टेल यू द टाइमिंग ऑल्सो, मेक फोन कॉल्स ड्यूरिंग द लंच टाइम, नॉन प्रोडक्टिव आवर्स, करेक्ट? बट 5 call साथ में करो, एक को गाड़ी चलाते समय, दूसरे को इसमें, फ्लो सेट नहीं होता है, 5 में फ्लो सेट हो जाएगा आपका, करेक्ट? यू नो आई विल टेल यू आफ्टर फिनिशिंग 5 फ्लो इतना सेट हो जाएगा कि आपको आप 10 कर डालोगे, इतना सेट हो जाएगा। मैं बोलता हूं लेकिन नहीं, आप बहुत बिजी हो, क्योंकि काम बहुत सारा है, करेक्ट? तो सिर्फ 5 ही करना है, कर सकते हैं 5 एवरीडे 5, करेक्ट? 2 to 2:30, द प्रोस्पेक्ट इज ऑल्सो हैविंग लंच और समथिंग, करेक्ट? बट 5 कौन से लोगों को कॉल करना है? 1st, 10th और 15th? नो, यही होता ना, किसी को कॉल करना तो लिस्ट उठाएंगे, अच्छा इसको करते हैं फिर इसको करते हैं, जहां कंफर्ट है ना उसी को करेंगे बस, अवॉइड करते हैं थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला आदमी जो उसको, राइट? कुछ नहीं करना है, 1, 2, 3, 4, 5 फिनिश, 6, 7, 8, 9, 10 फिनिश। अगर 5 में से 3 ने फोन नहीं उठाया तो अगले 3 को लगा डालो, बट लाइन से, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉल? इज इट प्रोस्पेक्टिंग? इज इट इन्विटेशन? सो प्लीज स्टिक टू द पर्पस, इन्फॉर्मिंग, रेजिंग क्यूरियोसिटी, फिनिश, करेक्ट? नाउ 7 days, इफ यू डू दिस 5 calls, हाउ मेनी पीपल यू स्पोक टू? हा 35 people यू स्पोक टू, करेक्ट? अच्छा, इन्फॉर्म करना या ये वाला कॉल इज मोर डिफिकल्ट, और इन्वाइट करना इज मोर डिफिकल्ट? जान कब जाती है, ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है, पैल्पिटेशन कब होती है, राइट? व्हेन यू इनवाइट, व्हेन यू प्रोस्पेक्ट, और व्हेन यू चेक व्हेदर ही इज ओपन और नॉट, राइट? सो डोंट डू इट एवरी डे, डोंट डू इट एवरी डे, हर रोज थोड़ा थोड़ा पैल्पिटेशन, क्या फायदा? एक दिन में 35 को खत्म करेंगे, एक ही दिन में मर लेंगे पूरा, पूरे हफ्ते भर के लिए, ये ठीक है? इज दिस ओके? सो मंडे टू सैटरडे और संडे टू सैटरडे यू विल मेक 5 calls, सो सिंपल, गो टू वर्क,
मेक 5 कॉल्स, कम बैक होम. सो लाइफ विल बी हैविंग लिटिल वन, थोड़ा सा एक्स्ट्रा. हम बोलते गो टू वर्क, कम बैक होम, बीच में थोड़ा गो टू ऑफिस, मेक 5 कॉल्स, कम बैक होम. तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, राइट, वैरायटी आ जाएगी लाइफ में, राइट. तो 5 कॉल किए, 35 कॉल हो गए हफ्ते के. नाउ वन डे इज अ डी डे व्हेन द फोन विल बी वेरी हैवी, करेक्ट, दैट्स ओके, बट दैट डे ओनली. बाकी 5-6 दिन कोई टेंशन नहीं है, फोन ही नहीं करना, मेरे को इन्फॉर्म ही नहीं करना, बड़ा मजा आ रहा है मेरे को तो, करेक्ट. और जिस दिन आपने 5 कॉल किए, आप ये सोचो डे वॉज प्रोडक्टिव. अभी हम क्या सोचते हैं, प्लान नहीं हुआ यार, डे अनप्रोडक्टिव हो गया, साइन अप नहीं हुआ यार, वीक अनप्रोडक्टिव हो गया, राइट. प्लीज वी आर, यू नो, हम बोल रहे हैं कि झाड़ उगानी, बीज तो डाले पहले, करेक्ट. तो द सीड इज इम्प्लांटेड, दैट मीन्स डे इज प्रोडक्टिव. इफ यू मेक 5 कॉल्स इन अ डे, आई एम टेलिंग यू, मोस्ट ऑफ द फुल टाइमर सिटिंग आउट हियर, दे ऑल्सो डोंट मेक 5 कॉल्स अ डे कंसिस्टेंटली, ट्रू. सो योर डे इज मोर प्रोडक्टिव देन देयर डे, ट्रू. सो प्लीज अंडरस्टैंड, 5 कॉल्स अ डे, 35 कॉल्स इन अ वीक. नाउ सैटरडे मॉर्निंग, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ऑफ, ट्रू. एक दिन उठाओ सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे फ्रॉम 11:30 ऑनवर्ड्स, डेढ़ घंटा रखो. अब ये 35 को इन्विटेशन देना है, अब ये 35 को इन्विटेशन देना है, सबको साथ में. तो क्या होगा, पहले में डर लगेगा, दूसरे में डर लगेगा, तीसरे में डर लगेगा, चौथे में डर लगेगा, धीरे 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 करके बेटर हो जाएगा, 35 तक आप मास्टर हो जाओगे, फ्लो सेट हो जाएगा, राइट. आर यू गोइंग टू गेट येस फ्रॉम ऑल? नो, यू एक्सपोज्ड अ मैग्नेट टू द गार्बेज, राइट. नॉट एवरीवन विल कम, करेक्ट. सो 35, बट कैन यू हैंडल इफ ऑल 35 कम्स? नो. सो प्लीज एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, राइट. डोंट एक्सपेक्ट ऑल विल कम, बट 35 पीपल यू ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड, दे नो दैट यू आर इनटू सम बिजनेस. नाउ सैटरडे मॉर्निंग 11:30 यू विल सिट एंड कॉल ऑल ऑफ देम. व्हाई? 10 बजे लोग उठ जाते हैं छुट्टी के दिन, एटलीस्ट 10-11, तो काम भी शुरू नहीं होता 11:30 तक, तो दे आर लेजिंग अराउंड, राइट. सो दे हैव टाइम, बट यू कांट अफोर्ड टू लेज अराउंड ऑन दैट डे, करेक्ट. सो 11:30 पिक अप द फोन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 35 पीपल. नाउ व्हाट टू स्पीक? अथर को वापस फोन लगाया मैंने, राइट. अरे यार सॉरी यार, उस दिन रखना पड़ गया यार, अगर रख दिया था अब्रप्टली, और एल्स नो, उस समय रखते समय बोल दिया था भाई अब टच में रहेंगे अपन, ना तू भी कॉल करते रहना, मैं भी कॉल करता रहूंगा, यू नो दैट यू आर गोइंग टू कॉल हिम बैक अगेन, राइट. करेक्ट. तो उसके बाद बोला और बता, उस दिन के बाद अपनी बात ही नहीं, उस दिन शॉर्टकट में अपनी बात है, गुड यार एटलीस्ट टच में तो आ गए, ठीक है. अच्छा सुन, मैंने तेरे को एक स्पेसिफिक रीजन से फोन किया आज, तेरे को याद है मैं उस दिन मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था, दैट यू नो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, या तो नाउ यू आर रिलेटिंग दैट कन्वर्सेशन, करेक्ट. उसका परसेप्शन ऑलरेडी बन गया बिग प्रोजेक्ट का. तो सुन, एक्चुअली में क्या हुआ कि कल मैं और मेरे पार्टनर, माई पार्टनर हैड कम डाउन फ्रॉम बॉम्बे, दिस दैट व्हाटएवर इट इज, सो यस्टरडे वी हैड अ मीटिंग and we discussed a massive expansion plan, massive global expansion plan, and for that we realized we need to increase the bandwidth, and to increase the bandwidth we thought we should be open to have one or two more partners on a equal profit sharing. I don't know why, but suddenly tera naam dhyan mein aaya, tune us din bola tha mujhe bhi kuch bata, ye uske liye jisne bola mujhe bhi kuch bata, correct. जिसने नहीं बोला उसको बोला पता नहीं क्यों यार मुझे ऐसा लगा तेरे से बात करना चाहिए. सो आई एम जस्ट चेकिंग व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान. पता नहीं क्यों यार, मालूम नहीं क्यों, बोलेगा क्यों पता नहीं. मेरे को ही क्यों बोल रहा है पता नहीं, वो ऐसा फील हुआ तेरे से बात करनी चाहिए. करेक्ट. पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा तेरे से बात करनी चाहिए. तो मैं तेरे को पूछ रहा हूं, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? Are you also thinking of starting something of your own future? The person says, "Haan yaar, naukri kisko karni hai?" Acha. So sun, if you are also planning to start something of your own later or future, whatever it is, so I don't know whether it is for you or not. Like, abhi main koi promise nahi karta hoon. But agar aisa hai, to ek coffee peete hain baith ke, you, me and my partner, and let's see if something can work out between us. That's it. Finish. Ho gaya call? अगर वो बोलेगा हाँ हाँ बट है क्या, अब इसके रिस्पॉन्स अलग अलग आएंगे, ओके ठीक है मिलते हैं. दूसरा, बट ये है क्या एक्चुअली में,
कुछ तो बता, क्या प्रोजेक्ट है क्या नहीं है. डोंट अगेन साउंड सस्पेंस. नहीं सुन, मैं नया हूं, मैं नहीं बता पाऊंगा, तो ना पार्टनर बताए. बोले साले तेरे को ही नहीं पता, मेरे को क्या बुला रहा तू. सो प्लीज डोंट डीएडिफाई योरसेल्फ. सो यू कैन एक्चुअली से दैट यू नो कंफ्यूज हिम. सिंपल. अच्छा सुन, तेरे को बताता हूँ क्या कर रहा हूँ. मालूम नहीं अभी फोन पे समझेगा कि नहीं, शॉर्टकट में बताता हूँ. राइट, सी वी आर बेसिकली पार्टनर विद हांगकांग बेस्ड कंपनी. दिस कंपनी इज हैविंग डजन प्लस सब्सिडरीज डीलिंग टू बी टू बी एंड बी टू सी. आर जॉब इज बेसिकली टू इंक्रीज द फुटप्रिंट्स ऑन द पोर्टल. वॉट एवर टर्न ओवर गेट्स क्रिएटेड वी गेट पेड 14%. वी ट्रांसलेट टू 2 to 3 crores इन नेक्स्ट 2 to 4 years. नाउ देयर इज अ स्ट्रेटजी, देयर इज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. वी आइडेंटिफाई मार्केट, वी अप्लाई दैट स्ट्रेटजी एंड इंक्रीज द फुटप्रिंट्स. But this is what we do, right? This is what we do. For that, you need to know what we do, right? This is what we do. So, samjha tereko? Haan. Detail mein tereko apan baith ke baat karenge, right? This is just a gist. You know? And, you know? Correct. So, please inform like this. How much? 1.5 hours mein 35 log ko call ho jayenge? हो जाएंगे. वंस यू फिनिश दैट 35, हाउ मेनी. बोला यार देख, प्रॉमिस नहीं करता हूं, है कि नहीं तेरे लिए. सीनियर पार्टनर यहां पे, मैं यहां पे हूं, तू भी है. अगर पता नहीं कुछ, यू नेवर नो, समथिंग कैन बी वर्कड आउट, राइट. कम. जैसे ही उसने बोला चल ठीक है मिलते हैं, डेट टाइम फिक्स किया. डेट टाइम फिक्स हो गया. आफ्टर दैट, अच्छा सुन तू सीरियस तो है ना. बाय टेलिंग दिस यू आर मेकिंग हिम सीरियस. तू सीरियस तो है ना, बिकॉज बॉस वी आर टू बिजी. एक्चुअली बहुत सारी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं. तो तू सीरियस है तो टाइम का रिस्पेक्ट करना यार थोड़ा. बिकॉज क्या, ऑल थ्री ऑफ अस नीड टू टेक आउट टाइम. योर टाइम इज प्रीशियस, आवर टाइम, माय पार्टनर्स टाइम इज ऑल्सो प्रीशियस. तो टाइम पे आना बस. बिकॉज यू नो ही, यू नो बिकॉज वी नो ईच अदर, सो आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू, रिकमेंड अ मीटिंग. बट ही इज टू बिजी एंड ही ट्रेवल्स अ लॉट. तो मैं फिक्स करता हूँ, बट तेरे को मजा आएगा उससे मिलकर. वेरी नाइस पर्सन. So you are edifying also, but not scaring him also. Correct? Edifying and not scaring him. So, देख लेना. और लास्ट में फोन रखने के पहले उसको बोला कि अच्छा सुन, बस थोड़ा सा ना टाइम लेके आना, 1.5-2 घंटे का अच्छा रहेगा. Why? See, half an hour में we will get to know whether what you are looking for and what we are looking for matches or not. Correct? आधे घंटे में कॉफी पता लग जाएगा. If it matches, तो पूरा डिस्कशन एक ही दिन में खत्म कर डालेंगे ना. दोबारा फिर मिलने की झंझट, फिर कब तू, तीनों का टाइम सेट होगा. साउंड्स ओके? अगर मान लो मैच नहीं किया, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज नॉट मैचिंग, तो एक कॉफी पियेंगे तो आधे घंटे में फ्री हो जाएगा. अदरवाइज पूरा डिस्कशन उसके बाद कर डालेंगे तो एक 1.5-1 घंटा लगेगा, बट तू फिर भी 1.5-2 घंटा लेके मतलब फुर्सत में आना. मल्ट मेनी टाइम्स व्हेन यू से दिस, अ पर्सन विल से अच्छा अच्छा सुन फिर मंडे मत कर, ट्यूजडे कर. बिकॉज मंडे को मैं सोचा था आधे घंटे तेरे से मिलके मेरे को ना थोड़ा डिनर के लिए जाना था, तो अच्छा हुआ तूने बोल दिया. नहीं तो क्या होता, आज तो मैं जल्दी में थोड़ा. बिकॉज यू आर नॉट टेलिंग व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, हाउ मच टाइम आर यू एक्सपेक्टिंग, राइट. प्लस यू आर नॉट ऑल्सो टेलिंग 2 घंटा लेके आना, ओके 2 घंटे पहले जाने नहीं मिलेगा. यू आर टेलिंग लॉजिकली, देख नो, इफ एवरीथिंग इज ओके इन फर्स्ट हाफ एन आवर, देन प्रोबेबली वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल. व्हाट डू यू से? ठीक है, तो मंडे ठीक है ना, निकाल पाएगा ना इतना टाइम. ओके, फिनिश. नाउ दिस वे इफ वी मेक 35 कॉल्स, how many people will agree to meet? How many people?